प्रदेश की जनपद बहराइच की तहसील नानपारा निवासी हाफिज मोहम्मद सगीर अहमद ने अखंड भारत न्यूज से एक मुलाकात में कहा कि सभी मुसलमान बीमारी को देखते हुए सोमवार को पढ़ने वाली ईद की नमाज घर में ही पढ़ें। उन्होंने हदीस का हवाला दिया कि वबा यानी महामारी फैल जाए तो जरूरी नहीं कि ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, घर पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे आलम विश्व में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है, इसे देखते हुए सभी मुसलमान सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस यानी आपसी दूरी बनाए रखें, सोमवार को पड़ने वाली ईद को बहुत ही सादगी से मनाएं, नए कपड़े ना पहने क्योंकि बीमारी का दौर है। हाफिज ने मुसलमानों से अपील की कि सभी लोग देश और पूरे वर्ल्ड से कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो इसके लिए दुआ करें। हमारे बीच मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद सगीर अहमद, ये मासूपुर में मदरसा चला रहे हैं और नानपारा में, ये दोनों मदरसे में नायब मोहतमिम हैं। क्योंकि कल ईद है सोमवार के दिन, तो ईद 25 मई को पड़ रही है, ऐसे में ये मुस्लिम आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं बताएं हाफिज साहब। भाई हमारी जो है सारे मुसलमानों से दरख्वास्त गुजारिश है कि मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर, दुनिया की हर कंट्री के अंदर जो एक वबा फैली हुई है जिस मरज़ का नाम कोरोना वायरस है, तो इस कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है और वो है कि आपस की दूरियां बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, हमारे बीच एहतियात ज़रूरी है। हर दौर में अल्लाह की तरफ से आफात आती रहती हैं, आसमानी वबाएँ आती रहती हैं, जिससे बचने के लिए इस्लाम ने एक तरीक़ा बताया है, उस तरीके पे जो चलता है और उस तरीके को जो अपना करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उस वबाई मरज से जो है उसकी खुद भी हिफाजत होती है और जो उसकी बातों को मानते हैं उनकी भी हिफाजत होती है। इसलिए हमारी सारे मुसलमानों से गुजारिश है कि आने वाले दिन सोमवार को जो ईद मनाई जाएगी वो ईद हम ईद की नमाज़ अपने घरों पे ही पढ़ लें, ये बेहतर होगा। नमाज जो है मस्जिद या ईदगाह में ना जा कर के पढ़ें क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों का हुजूम होगा और हुजूम ये हमारे लिए ख़तरनाक कदम होगा, इसलिए हुजूम इकट्ठा करने से बचें और आपस की दूरियां बनाए रखें। हुकूमत की मंशा के मुताबिक हम अमल करें, हुकूमत की हिदायत, उलमा इकराम की हिदायत के बतौर अपने कदम को उठाएं। हाफिज साहब ये बताएं आप कि मुसलमान कल जो है जैसे ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे तभी ईद की नमाज़ मानी जाती है, तो घर पर किस तरह नमाज़ पढ़ें लोग, और लॉकडाउन का जो सरकार ने आदेश किया है ऐसे इसका पालन कैसे करें, सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करें, जरा मुसलमानों को बताइए आप। भाई हुकूमत की तरफ से ये है कि अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चार पाँच लोग जो है ईदगाह में या मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन बात जो हुकूमत की है और हुकूमत के ताबे में रहना है। सही मानों में तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ी जाए तभी हमारी नमाज़ मानी जाएगी, हालात के एतबार से हम घर में भी नमाज़ पढ़ें, नफिल पढ़ सकते हैं, तब भी हमें सवाब वही मिलेगा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आसमानी आफत आपके सामने आ जाए तो उस वक्त आपके लिए बेहतर मस्जिद नहीं होगी, बेहतर घर होगा कि उस वक्त की नमाज़ अपने घर में ही अदा कर लें, ये बेहतर होगा। तो आपकी आवाम से ये अपील है कि सभी लोग ईद की नमाज़ घर में पढ़ें और सादगी से ईद मनाएं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी हमारी आवाम से मुसलमानों से खुसूसन दरख्वास्त है कि ईद की नमाज़ जो है घर में ही पढ़ें, घर में अदा करें और सादगी के साथ जो है ईद को मनाएं, नए कपड़े बिल्कुल ना पहने, एहतियात ज़रूरी है। नए कपड़े पहनना भी कल हमारे लिए भी शर्मिंदगी का एक ज़रिया होगा, सबब बनेगा, इसलिए जो है हम ज़रूरी इसका ख्याल रखें कि ईद जो है जो त्यौहार हमारा है उसको बहुत ही सादगी के साथ मनाएं, इसमें हमारे लिए आप क्या कोरोना जैसी महामारी से महामारी को दूर करने के लिए क्या इसके लिए दुआएं भी करेंगे मुसलमान? ज़रूरी दुआ तो की जाती है, शुरू से की जा रही है, मुसलमान खुसूसन जो है दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि ये जो हमारे लिए मोहलिक बीमारी आई है इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे सभी भाइयों की हिफाजत फरमाए, और इसमें हर मुसलमान बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहा है, दुआ में भी, मदद में भी, खाने से लेकर के कपड़े से लेकर के पैसे से लेकर के हर मुसलमान का हक जो है सबके लिए। हाँ हमारी मंशा यही, हमारा कहना यही है
कि हुकूमत ने जो हमें बताया है उस हुकूमत के ताबे हम रह करके हुकूमत की मंशा को भांप करके हम कदम उठाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इसी में हमारी आफियत है। और हम हर मुसलमान से दरख्वास्त करते हैं कि सभी मुसलमान जो अपने घरों में नमाज पढ़ें और नमाज के अंदर दुआ करें कि अल्लाह इस मर्ज को जल्द अज जल्द पूरी दुनिया से खत्म करें। अखंड भारत न्यूज़ के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।